अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कुक विद नूरानी में आप सभी का इस्तकबाल है। तो देखिए, आज हम बनाने जा रहे हैं चावल की खीर, यानी जो खीर हम पूरियों के साथ बनाते हैं ना, वो खीर आज हम बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, एकदम परफेक्ट सी खीर की रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको खीर की रेसिपी शेयर करूँगी। अगर आपको पूरियों की रेसिपी भी चाहिए, चोबे की पूरियों की रेसिपी, तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दूँगी, आप उसे ज़रूर चेकआउट कीजिए। ये बहुत ज़्यादा यम्मी और एकदम परफेक्ट खीर की रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए, बिना देर किए इस रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच सके, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके के कुकिंग के वीडियोज़ इंटरेस्टिंग डेली लाते रहूँगी। तो चलिए, इस रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने एक भगोने में दूध रख लिया है उबाल आने के लिए। जब तक कि हमारा दूध उबलता है, हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे, उसमें हमारे भीगे हुए चावल ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो बासमती भी ले सकते हैं, मैं तो यहाँ पे सोना मसूरी ही ले रही हूँ। और उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, थोड़े बादाम और थोड़े से काजू, तकरीबन 25-25 ग्राम होंगे ये, तो उसको हम लेके उसको भी हमारे ग्राइंडिंग जार में ऐड कर लेंगे हम, और उसका पाउडर या फिर पेस्ट हम जो भी चाहे वो बना ले सकते हैं। तो चलिए, अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। थोड़े से इलायची भी ऐड कर लेंगे, फ्लेवर अच्छा आता है उससे। ये देखिए, जब तक कि हमारा ग्राइंड हो रहा है, हमारा दूध उबल गया है और हमारा पेस्ट भी अच्छी तरीके से ग्राइंड हो गया है। तो चलिए, अब हमने जो पेस्ट ग्राइंड करके रख लिया है ना, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। एकदम हिलाते हुए हमें इसे मिक्स करना है। देखिए, ऐसे मिक्स कर लेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी देखते हुए, इसे एडजस्ट करते हुए हम चावलों को ऐड करेंगे। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा सा पेस्ट ऐड कर लिया, मतलब थोड़ा सा बचा लिया है, उसको भी हम ऐड कर लेंगे। कंसिस्टेंसी आप देख के इसको एडजस्ट करना, अगर आपकी खीर वैसे ही गाढ़ी होगी तो आप थोड़ा बचा सकते हैं। देखिए, इस तरीके की कंसिस्टेंसी होना है, और हमें इसे चावल हमारे अच्छी तरीके से पकने तक हमें इसको पका लेना है, एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। तो ये देखिए, इसे मीडियम फ्लेम पे पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, हमारे चावल भी अच्छी तरीके से गल चुके हैं। देखिए, आप इस तरीके से आपको देख लेना है कि हमारे चावल अभी थोड़े गले हैं कि नहीं। तो चलिए, अब हम इसमें हमारी शक्कर ऐड कर लेंगे। मैं यहाँ पे 1 कप शक्कर ऐड कर रही हूँ। देखिए, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यह सब अपनी अपनी मर्ज़ी रहती है। यह खीर है ना, आप जितने ड्राई फ्रूट चाहें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको गाढ़ी खीर चाहिए तो आप चावल ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। सब अपनी अपनी मर्ज़ी से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ भी मेजरमेंट्स आपको ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, आप अपने हिसाब से दूध जितना चाहे उतना बना ले सकते हैं। सिर्फ इंग्रीडियंट्स के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि खीर कैसे बनाना है। तो ये देखिए, खीर हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। तो चलिए, अब हम स्टोव को कर देंगे ऑफ और इसे कर लेंगे डिश आउट। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर डिश आउट कर रही हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा यमी बनी है हमारी खीर। देखिए, ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो गई है, आप देख सकते हैं। देखिए, गाढ़ी हो गई ना, इस तरीके की कंसिस्टेंसी होना चाहिए खीर के, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा घट। ये चावलों की खीर है ना, तो एकदम मीडियम कंसिस्टेंसी होना चाहिए। तो देखिए, एकदम यमी और टेस्टी, एकदम परफेक्ट खीर बन के आज रेडी हो गई है। मैंने आपको सिखाई है इसकी रेसिपी, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। और अगर आपको पूरियों की रेसिपी चाहिए, तो उसकी रेसिपी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है मैंने, उसे आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। तो मैं देखिए, इसको थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो थोड़ा घी में फ्राई करके भी आप इन नट्स को ऐड कर सकते हैं अपने ड्राई फ्रूट्स को। मैं तो सिर्फ यहाँ पर सिंपल रख रही हूँ, एकदम सिंपल खीर बना रही हूँ, तो इसलिए सिंपली इसको थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से, चॉप्ड ड्राई फ्रूट से गार्निश कर रही हूँ। तो देखिए, बहुत ही टेस्टी बनती है हमारी रेसिपी, इसे आप ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो देखिए, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर से शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और पूरियों के चोबे की पूरियों की रेसिपी तो आप ज़रूर चेकआउट करें। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।